अब लगभग यह सच दीवार पर लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस चीन की सरकार की एक साजिश का नतीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहे जाने पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि यह कड़वा सच चीन से हजम नहीं हो पा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने यूट्यूब चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। में चीन में हुई क्रांति के बाद से माओ सेतुंग के कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में काबिज होने के बाद से आज तक इसी पार्टी का निरंकुश शासन रहा है। इस पार्टी ने अपने दमनकारी शासन से अपने ही नागरिकों को जीने के सामान्य अधिकारों से कोसों दूर रखा है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए और दमन के खिलाफ आवाज उठाना चीन में खुलेआम मौत को निमंत्रण देना है। सत्ता की खिलाफत या बगावत की एक छोटी सी भनक लगने पर इस पार्टी के गुप्तचर आवाज उठाने वाले को परिवार समेत खत्म कर देते हैं। चीन ही दुनिया का एक इकलौता देश है जिसकी अपनी कोई सेना नहीं है। जिस सेना को आप चीन की सेना समझते हैं वो है पीपुल लिबरेशन आर्मी, जिसका मुखिया वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं होता है बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना आयोग का अध्यक्ष होता है। यह सेना देश की रक्षा से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार होती है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CCP ने अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए 23 लाख की आधुनिकतम हथियारों से युक्त सेना रखी हुई है जिससे पूरी दुनिया डरती है। चीन के निरीह नागरिकों की औकात ही क्या है। बीजिंग और संघाई के आकाश छूते जगमगाते अट्टालिकाओं के पीछे की कहानी बहुत ही सयाह है। जब भी हम चीन की काली करतूतों की बात करते हैं, जाने अनजाने हम चीन के पूरी 140 करोड़ आबादी को इसमें शामिल कर लेते हैं, जबकि असलियत यह है कि इतने बड़े देश को मनमाने तरीके से चुने हुए कुछ हजार कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और उसकी पोलित ब्यूरो चलाती है। दरअसल पूरी दुनिया को चीन से नहीं बल्कि इस पर कब्जा किए हुए CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा है। ये पार्टी ना तो अपने जनता के लिए जिम्मेदार है न ही पूरी दुनिया के लिए। इस पार्टी के द्वारा बनाए हुए अनगिनत वायरोलॉजी लैब्स में कोरोना जैसे अनेक वायरस मानव जाति पर कहर बरपा करने के लिए तैयार है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस शासन व्यवस्था के पास बहुत मोटी जेब है। इसके पास लगभग 4,000 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके बदौलत यह पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कैंपेन यानी प्रचार अभियान चलाकर अपनी छवि को स्वच्छ बनाए रखता है। अमेरिका में तो इसने टॉप रैंकिंग लॉबिंग फर्म हायर किए हुए हैं, बड़े बड़े नामी पत्रकारों और मीडिया फर्मों को पेरोल पे रखा हुआ है, जो दिन रात चीन के सरकार के पक्ष में दलीलें देते रहते हैं। इसी क्रम में भारत में भी कुछ पार्टियां और कुछ मीडिया घराने चीन के पक्ष में स्पष्ट झुकाव दिखाते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO के कुछ अधिकारियों से चीन की मिलीभगत की आशंका जताई थी। WHO द्वारा चीन से कोरोना के फैलाव के कारणों पर चुप्पी इस आशंका को बल देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार डॉलर के जखीरे को इस्तेमाल कर श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और जिबूती जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को कर्जे के जाल में फंस कर इनके जमीनों पर अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं या बनाने की प्लानिंग कर रही है। चीन की जमीनी और समुद्री सीमा द्वारा जुड़े 18 पड़ोसी देशों से सीमा विवाद भी है। इसकी अघोषित नीति है सीमा पर इंच दर इंच जमीन हड़पना। अब आते हैं इस संकट के जड़ में इसका समाधान तलाशने। चीन की मौजूदा निरंकुश शासन व्यवस्था को उसके ब्रेन वॉश जनता के द्वारा बदले जाने की उम्मीद करना बालू में तेल निकालने जैसा है। 1989 में वहां की जनता ने एक बार कोशिश भी की थी। बीजिंग के टियानेमन स्क्वायर पे प्रदर्शन कर रही जनता को इस निरंकुश पार्टी की सेना द्वारा 4 जून 1989 को टैंकों से कुचलकर और गोले दागकर प्रदर्शनकारियों का नरसंहार कर दिया गया। आधिकारिक रूप से मारे गए की संख्या लगभग 4,000 थी, लापता लोग तो अनगिनत थे। इस लोहमर्शक नरसंहार के बाद वहां की जनता ने तो कभी विरोध की सोची भी नहीं। कायदे से किसी भी देश की शासन व्यवस्था उस देश का अंदरूनी मामला होता है, किसी बाहरी देश को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा एक आदर्श व्यवस्था में होता है। मौजूदा परिस्थिति में चीन के सरकार की कोरोना के फैलाव में संलिप्तता और पूरी दुनिया का इससे बुरी तरह प्रभावित होना पूरी दुनिया को चीन के चलाने के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने का हक देता है। आज की परिस्थिति में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही वो सबसे खतरनाक वायरस है जो हर साल सार्स, मर्स, बर्ड फ्लू और कोरोना जैसे नए नए वायरस को जन्म दे रही है। आप चाहे अनंत काल के लिए पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दें, इस आफत से आप बच नहीं सकेंगे। इस संकट से बचने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस सबसे बड़े CPC वायरस यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वायरस को जड़ से खत्म करना होगा। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।